हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि अभी फिलहाल आरआरबी की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया था, जिसमें दोस्तों रेलवे टेक्नीशियन के बारे में, यानी कि दोस्तों सीएन नंबर 02-2024 की जो वैकेंसीज है वो इंक्रीज़ कर दी गई है। अब दोस्तों इसके सिलेबस की है जो कि मैं बात करूंगा इस वीडियो में, आपको बताऊंगा कि सिलेबस में क्या कुछ बदलाव हुआ है या फिर पहले जैसे कि दोस्तों पहले भी एक कन्फ्यूजन था, उस कन्फ्यूजन को आज मैं इस वीडियो में है जो कि दूर करने वाला हूं। तो वीडियो को दोस्तों बिना स्किप किए शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, और जिन्होंने दोस्तों फॉर्म अप्लाई नहीं किया था उनके लिए एक बहुत अच्छा चांस है कि वो टेक्नीशियन का फॉर्म अभी अप्लाई कर सकते हैं। और नए स्टूडेंट्स को है जो कि ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि उनको पता रहना चाहिए कि किस तरीके से दोस्तों है जो कि जो आईटीआई वाले स्टूडेंट है जो कि अभी फिलहाल पास आउट तो हैं, वो बिल्कुल फॉर्म भर सकते हैं। और फॉर्म भरने के बाद में उनको एक बार सिलेबस चेक करना पड़ेगा दोस्तों कि उनको किस तरीके से है जो कि स्टडी करनी है। तो ये वीडियो उनके लिए काफ़ी अच्छी बेनिफिट साबित होगी दोस्तों। तो दोस्तों इसमें मैं सिलेबस की बात कर लेता हूँ, बाकी दोस्तों इसका जो पूरा जो फुल नोटिफिकेशन है हिंदी में मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके पूरी तरीके से आप देख सकते हो कि इसकी इनकम वगैरह ये सारी बातें दोस्तों इनकम वगैरह की दोस्तों मैं आपको एक पर्टिकुलर अलग से वीडियो लगे मैं बताऊँगा। सो दोस्तों फिलहाल दोस्तों हम इसके सिलेबस की बात करते हैं, और वो भी दोस्तों टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के सिलेबस की हम बात करते हैं। फर्स्ट ग्रेड का है जो कि बीटेक या डिप्लोमा वाले हैं वो ही उसमें अप्लाई कर सकते हैं, और उनकी वैकेंसी है जो कि इंक्रीज़ नहीं हुई है। जो ओनली दोस्तों जो कैटेगरीज 22 कैटेगरीज बढ़ाई हैं वो ग्रेड थर्ड में बढ़ाई हैं, और वो दोस्तों जो कि आईटीआई के लिए काफ़ी बेनिफिट उसमें है जो कि फिटर और मैकेनिकल वालों की, तो समझो दोस्तों बल्ले बल्ले हो चुकी है, उनकी वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी है। तो दोस्तों इस तरीके से हम सिलेबस की बात करेंगे, बाकी इसमें पूरे नोटिफिकेशन में आपको मेडिकल स्टैंडर्ड वगैरह और जो भी आपको सालाना छूट वगैरह सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगी। सिलेबस की एक बार हम बात करते हैं कि सिलेबस में सबसे बड़ा कन्फ्यूजन्स है जो कि रहा है स्टूडेंट का इंग्लिश और हिंदी में। आज वो कन्फ्यूजन्स है जो कि मैं पुराने स्टूडेंटों के लिए भी वो सारा कन्फ्यूजन मैं आपको यहाँ पर दूर करना चाहता हूँ दोस्तों, तो उनके लिए भी दोस्तों ये वीडियो काफ़ी अच्छी रहेगी। तो दोस्तों हम बात कर लेते हैं दोस्तों थर्ड ग्रेड यानी कि थर्ड ग्रेड टेक्नीशियन में दोस्तों जो एग्ज़ाम का पैटर्न होगा वो किस तरीके से होगा। दोस्तों 90 मिनट का टाइम होगा दोस्तों, कंप्यूटर बेस एग्जाम होगा दोस्तों, 100 क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, और नेगेटिव मार्किंग दोस्तों 1/3 है, यानी कि 3 क्वेश्चन नेगेटिव करने के बाद में आपको एक नंबर है जो कि यहाँ से काट लिया जाएगा। उसके बाद में दोस्तों इन्होंने कुछ क्राइटेरिया भी रखा हुआ है कि जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 40% है, ओबीसी एनसीएल के लिए 30% है, एससी 30% है, एसटी है जो कि 25% है, और इससे कम पीडब्ल्यू उम्मीदवारों के लिए 2% की छूट दी जाती है। और इस भर्ती के आगे चरणों के लिए उम्मीदवार को शॉर्ट लिस्ट के लिए दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो, दोस्तों लाइन यहाँ पे देख सकते हो कि जो भर्ती की प्रक्रिया होगी, जो आपका एग्जाम होगा उसके बाद आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। और उसके बाद दोस्तों आपको मैं इसके सिलेबस की बात कर लेता हूँ। सबसे पहले दोस्तों मैं यहाँ पर आपको एक इसके एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर लेता हूँ। एग्ज़ाम पैटर्न में आप यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों कि एग्ज़ाम पैटर्न में आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपके सामने दोस्तों जो मैथमेटिक्स आएगी उसके दोस्तों 25 क्वेश्चंस होंगे और 25 नंबर्स के होंगे। उसी तरीके से दोस्तों रीजनिंग्स आएगी, रीजनिंग में भी दोस्तों वही 25 क्वेश्चंस होंगे और 25 मार्क्स के होंगे। उसी तरीके से दोस्तों आपके पास में सामान्य विज्ञान आएगी जिसके 40 क्वेश्चंस होंगे और वो 40 नंबर के होंगे दोस्तों। उसी तरीके से दोस्तों यहाँ पे सामान्य जागरूकता जिसमें दोस्तों सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है जो कि स्टैटिक जीके के पूछे जाएंगे वो 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 10 नंबर के होंगे। इस तरीके से दोस्तों 100 क्वेश्चन होंगे और 100 नंबर के होंगे। उसी तरीके से दोस्तों आपके पास में जो समय होगा वो 90 मिनट का समय होगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं हम कि किस तरीके से दोस्तों इनका जो सिलेबस है उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स में दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो कि नंबर सिस्टम्स है, बोर्ड मास है, दशमलव, भिन्न, एलसीएम, एससीएफ दोस्तों यहाँ पे हो गया, लेसएमएस हो गया, अनुपात समानुपात हो गया, और एडवांस मैथ भी दोस्तों यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। क्षेत्रमिति हो गई, और यहाँ पे दोस्तों त्रिकोणमिति भी है, बीजगणित भी है, और यहाँ पे दोस्तों है जो कि आपके सामने ज्योमेट्री भी यहाँ पे हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरीके से है जो कि मैथमेटिक्स का आपको पूरा सिलेबस पढ़ना पड़ेगा, वो भी 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों मैं बात करता हूँ यहाँ पे रीजनिंग की। तो रीजनिंग में भी दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो कि रीजनिंग में भी एनोलॉजी है, वर्णमाला है, श्रृंखला परीक्षण है, सब कुछ यहाँ पे रीजनिंग का भी सेम डेट टू सिलेबस है जो कि पढ़ना पड़ेगा। ये सारा सिलेबस है जो कि दोस्तों एएलपी सीबीटी 2 का जो डी टू सिलेबस है वही सिलेबस दोस्तों यहाँ पे टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड में रखा गया है। अब दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं साइंस की। दोस्तों ये जो साइंस है दोस्तों इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन है दोस्तों, क्योंकि जैसे ही आप इंग्लिश में नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड करोगे, नोटिफिकेशन देखोगे, तो वहाँ पर ओनली सिर्फ दोस्तों 10th लेवल की फिजिक्स और केमिस्ट्री लिखी गई है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे साफ साफ है जो कि दोस्तों यहाँ पे बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग है जो कि हिंदी में, जैसे आप हिंदी का नोटिफिकेशन देखोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इंजीनियरिंग ड्राइंग जो कि आपकी यहाँ पे आएगी, उसी तरीके से है जो कि द्रव्यमान वजन फिजिक्स भी यहाँ पे है, यानी कि केमिस्ट्री और बायो का यहाँ पे
किसी भी तरीके से कोई पार्ट यहाँ पे नहीं दिया गया है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे लास्ट में लिख दिया है आदि। तो आदि में आप यहाँ पे दोस्तों आपको केमिस्ट्री और बायो भी पढ़नी पड़ेगी, लेकिन दोस्तों जहाँ तक दोस्तों आपको बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, यानी कि दोस्तों आपको बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग में आपको ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। ये दोस्तों ये CBT 2 का सिलेबस है दोस्तों, ALP CBT 2 का। पिछली बार क्या हुआ था कि ALP और टेक्नीशियन का जो पेपर हुआ था कॉमन हुआ था, लेकिन इस बार दोस्तों क्या है कि पेपर अलग अलग कर दिया, लेकिन जिस तरीके से जो पेपर का जो पैटर्न होगा वो दोस्तों यही होगा कि आपको यहाँ पे बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग है जो कि पढ़नी पड़ेगी। आप जनरली सिंपल तरीके से जो जनरली फिजिक्स केमिस्ट्री बायो उनको आप रीड ना करें, आपको पूरा ये हिंदी में जो सिलेबस है इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप चले, और आपको ये सारी चीज़ें हैं, सारे टॉपिक्स हैं जो कि कवर करने पड़ेंगे। और स्टैटिक जीके में आप दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि दोस्तों यहाँ पे स्टैटिक जो जीके है, तो कि स्टैटिक जीके में आपको सबसे ज़्यादा है जो विज्ञान, खेल, संस्कृत, अर्थशास्त्र, राजनीति और अन्य महत्व विषय के बारे में, यानी कि करंट अफेयर्स के बारे में दोस्तों दूर दूर तक यहाँ पे है, जो कि कहीं पे भी सिलेबस के अंदर है जो कि डिस्क्राइब नहीं किया गया है। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि आपको स्टैटिक जीके पढ़नी है। स्टैटिक जीके के लिए दोस्तों मैं एक वीडियो लेके आ जाऊँगा कि आपको कौन कौन सी बुक्स है जो कि टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए है जो कि आप पढ़ सकते हो, और सेल्फ स्टडी से भी ये दोस्तों पेपर यहाँ पे आसानी से निकाल सकते हो। तो नए स्टूडेंट को मैं बताना चाहता हूँ कि आप इंग्लिश वाले नोटिफिकेशन पे ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो, बाकी हो सकता है कि इंग्लिश वाला नोटिफिकेशन सबसे मान्य होता है क्योंकि पेपर में भी इंग्लिश वाले क्वेश्चन को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। लेकिन यहाँ पे बात करता हूँ दोस्तों, पिछली बार ALP और टेक्नीशियन का जो पेपर हुआ था वो कॉमन पेपर हुआ था, और अब भी दोस्तों मैं कह रहा हूँ कि इस तरीके से जो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग है वही यहाँ पे पूछी जाएगी, क्योंकि उसी का ही ज़्यादा है जो कि पूछना बनता है, क्योंकि सिंपल फिजिक्स और केमिस्ट्री यहाँ पे नहीं पूछा जाएगा। तो हो सकता है कि आप सबसे ज़्यादा फोकस दोस्तों यहाँ पे रखें, क्योंकि ALP CBT 2 का जो सेम सिलेबस है दोस्तों, बस एक टेक्निकल पोर्शन इन्होंने हटा दिया है जो कि वहाँ पे पार्ट बी में टेक्निकल पोर्शन है ट्रेड वाइज का, तो यहाँ पे ट्रेड को जो कि हटा दिया गया है, लेकिन बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग आपको पढ़नी पड़ेगी। यहाँ पे फिजिक्स के भर भर के क्वेश्चन आएंगे, इंजीनियरिंग ड्राइंग आपको यहाँ पे पढ़नी पड़ेगी, और यहाँ पे दोस्तों आपको कंप्यूटर से रिलेटेड IT साक्षरता का भी थोड़ा बहुत यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। बाकी दोस्तों मशीन्स के बारे में, सेफ्टी और हेल्थ के बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा, एनवायरमेंट भी दोस्तों यहाँ पे दी गई है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे 40 नंबर की है जो कि साइंस दी गई है, तो ये 40 नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे दोस्तों ज़्यादा कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, आप हिंदी वाले को है जो कि रीड करते हुए अपनी तैयारी करें। और दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है कि आप तैयारी छोड़ दो, एग्ज़ाम जब होंगे तब इस तरीके से एग्ज़ाम डेट आएगी, तो आप अपनी तैयारी को बिल्कुल ना छोड़ें, तैयारी में लगे रहें। टेक्नीशियन ग्रेड 3 का सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न है आपको इस वीडियो में बताया है। तो दोस्तों जो भी नए स्टूडेंट जो फॉर्म अप्लाई करेंगे उनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है, वो एक बार सिलेबस चेक करें। बाकी आप टेलीग्राम चैनल पे आपको ये पूरा नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप टेलीग्राम चैनल पे विजिट करके वहाँ से ये नोटिफिकेशन को रीड कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच, मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट अपडेट के साथ में। थैंक यू सो मच।